दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने टिकटॉक एप्लीकेशन में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके टिकटॉक एप्लीकेशन से लोग इंस्टाग्राम तक पहुँचेंगे और इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करेंगे, इससे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे इंस्टाग्राम पे, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप भी करना चाहते हैं अपने टिकटॉक एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी टिकटॉक एप्लीकेशन। और ओपन करने के बाद चले जाइए अपनी प्रोफाइल पे। ये मैंने अपनी टिकटॉक एप्लीकेशन में अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ बीचों बीच देखिए एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है, वहाँ पे कर देना है क्लिक। वहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए जो सबसे नीचे दो ऑप्शन है, एक तो है इंस्टाग्राम, दूसरा है यूट्यूब, जहाँ आप अपना यूट्यूब अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ऐड करना है वो मैं दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम पे यहाँ क्लिक कर देना है, नया पेज ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये देखिए ये पेज ओपन हो चुका है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देना है। अगर आपने फेसबुक से लॉगिन किया है तो जहाँ फेसबुक लिखा हुआ है कंटिन्यू विद फेसबुक, जहाँ इस पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डालना पड़ेगा अपना फेसबुक अकाउंट का मतलब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और कर देना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है, इसको आप नॉट नाउ कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं। तो नॉट नाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए मेरा वही नाम वगैरह आ चुका है, इसे कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद देखिए यहाँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड हो चुका है, मेरी प्रोफाइल पे आ चुका है।